हेलो गाइस, स्वागत है आपका शेडो किंग चैनल पे। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट की एक बेहतरीन दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल की नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, आज मैं दो तीन चीज़ें करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमने जो पिछले एपिसोड में ये गोल्ड फार्म बनाया था, इसको मतलब थोड़ा इंटीरियर और एक दो चीज़ें और करने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए सामान ले लेते हैं। फटाफट से बताता हूँ क्या करते हैं हम लोग आज। कुछ आयरन चाहिए होंगे, 64 तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ले लिए मैंने। तो हमें कुछ वुड भी चाहिए होगा, 19 शायद इनफ होगा। तो हम पहले कुछ प्लैंक्स बना लेते हैं, 40 शायद बहुत हो। इसे हमें बनाने सबसे पहले चेस्ट बनाना है। चेस्ट ऐसे बनते हैं, ठीक है। पांच और चेस्ट बन गए हमारे पास, हो गए 7 चेस्ट। हॉपर, अब हॉपर बनाने के लिए देखो गाइस, 5 आयरन चाहिए होते हैं, 1 चेस्ट चाहिए होते हैं, उससे हॉपर बन जाते हैं। तो हमारे बन गए 7 हॉपर। मुझे लगता नहीं है 7 बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चाहिए हमें हॉपर। दो तीन, तीन ये चेस्ट ही बने हैं ना। चेस्ट बनाने हैं, बने हैं। ओ भाई, शील्ड कहाँ से बना दी मैंने इतनी सारी, भाई साहब पागल इंसान हूँ मैं। तीन ये, उसके बाद में तीन हॉपर। अब वुड कम पड़ गई, भाई साहब क्या पागल इंसान हूँ मैं। चलो कोई ना, आज नहीं तो कल शील्ड काम आ ही जाएगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। बस हाँ, आयरन की कमी हो जाएगी हमारे पास थोड़ी सी। भाई ये मेरा हमेशा यही गलत बटन दबता है। तो थोड़ी वुड और चाहिए होगी। तीन चार पाँच छ, दो दो चार छ आठ दस, 8 9 बहुत होंगे। 9 चेस्ट बहुत होंगे। बाकी के वुड हम रख देते हैं अभी यहाँ पे। डर्ट वर्ड पड़ी है तो देखता हूँ क्या करना है इनका। भाई आयरन की कमी हो गई। 64 का स्टैक निकालो। कोल 10 चाहिए हमें। अरे पहले से पड़ा हुआ है इसमें, लोल ये डाल ही देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे, बताता हूँ मैं कैसे क्या करना है हमें। अरे थोड़ी चीज़ें और बनानी पड़ेगी, मैं तो भूल ही गया। तो हमें नहीं, इधर से कुछ नहीं, कुछ रेस्टोन चाहिए होंगे, करीबन 13 या कुछ चाहिए होंगे, मैं देख गिन के बताऊँगा आपको। थोड़ी स्टिक चाहिए होंगे तो स्टिक वापस वुड निकाल लेते हैं। स्टिक और हमें बनाना था रेडिएशन कैपेसिटर के लिए चाहिए हमें। 2 ही पड़े हैं भाई साहब, किस्मत। तो रेडिएशन 1 2 3 एक ये, फिर 1 2 3 ये नहीं, ये दो कैपेसिटर चाहिए जो मैंने आपको बताया। 3 रेड स्टोन टॉर्च, 3 स्टोन और एक से क्वार्ट से बनता है। और हमें चाहिए था कुछ रेडिस्टोन डस्ट, हमारे पास शायद है, हाँ इनफ है। और हमें 2 पिस्टन और 1 ऑब्सिडियन चाहिए होगा। तो 2 पिस्टन, आयरन से निकालना पड़ेगा भाई। 2 आयरन, लकड़ी चाहिए थोड़ी सी। अबे पिस्टन 1 2 बन गए, 2 पिस्टन वापस रख देता हूँ। थोड़ी सी स्टिक और बना लेता हूँ, शायद काम आ जाए। और 1 ऑब्सीडियन चाहिए था, काश कहीं ऑब्सीडियन पड़ा हो हमारे शरीर में, तो फिर लाना पड़ेगा। ये पड़ा है 1 ऑब्सीडियन, चलो 1 ऑब्सीडियन से काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ग्लास भी चाहिए होंगे। ग्लास मैंने कहाँ रखे हैं, यहीं कहीं रखे होंगे। ये पड़े ग्लास हमारे, इतने नहीं चाहिए बट मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा ले ले रहा हूँ। सिल्टच की पिक एक्स है ना, सिल्टच की है। ये क्या, मैं ऑटोमेटिक करने वाला हूँ सब कुछ, ऑटोमेटिक आइटम सॉर्टर का काम करने वाला हूँ। तो हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी।
शायद मेरे पास शॉवल था। हाँ पड़ा तो है भाई। तो थोड़ा एरिया बनाना पड़ेगा। शायद इतना ही ना पो। टॉर्च बना लेता हूँ भाई साहब। टॉर्च पड़े हैं मेरे पास? नहीं है भाई। सैड लाइफ, फिर अंधेरा हो गया भाई साहब। ये गलत सीन होता है, मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ हमेशा 90 हो जाती है। कोई ना, नई मॉर्निंग के साथ नई नई शुरुआत करेंगे अच्छी सी। तो गुड नाइट। कोल चाहिए था हमें, कोल यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा सा दो बहुत होंगे। टॉर्च तू इधर जा भाई, अभी जाने भी नहीं देते थोड़ा। ये क्या लेके आया भाई? ना स्लाइम बॉल काम की है। और ये क्या है, ब्लू आइस है? हाँ ब्लू आइस ही है। बट मेरे पास एमरल्ड नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। इसको जब देखो भूख ही लग जाती है। इतने दूर में तो भूख किसी को नहीं लगनी चाहिए, इसको पता नहीं क्यों लग जाती है। तो इसको मैं आज थोड़ा बेटर करूँगा। तो सबसे पहले हमें वॉपर सी होगा, मुझे 5 ऊपर लगाने हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक प्लेस करके फिर क्राउच करके इसके फेस में लगाना है। 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें आइटम आ जाएंगे अभी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं निकाल लूँगा फिर से। इसमें ये पड़ा है ना, तू आ जाओ, तू आ जाओ, अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या करना है, अपने को थोड़ा नीचे खोदना है। के भी नीचे खोदना पड़ेगा। वैसे हम इन दोनों हॉपर का यूज़ करेंगे पहले। तो मैं इतना एरिया पहले क्लियर कर लूँ। अबे पाइप टूट गया, रोशनी की कमी भाई साहब। यहाँ अलग, और अबे यहीं पे तो लगा हुआ है। चलो चारों यहीं लगा देते हैं। तो हमें कौन से हॉपर का यूज़ करना है, एक इसका और एक इसका, है ना? शॉवल भाई, थोड़ा एरिया क्लियर कर, पीछे का भी एरिया क्लियर करना पड़ेगा। इतना तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं करके आपको अच्छे से बताऊंगा मैं क्या करके आ रहा हूँ। आइटम स्टोरेज बना रहे थे वैसे, हम करके आ रहा हूँ क्या, मैं तो बता ही चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लग जा भाई, इसी के ऊपर है ना। हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर और एक और हॉपर लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकता है। तो क्राउच करके एक इसके ऊपर लगाना है और एक इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में ये एरिया ना ऐसे भी खाली रहने देना, इसको तोड़ देंगे हम पहले। तो ये एरिया खाली रहेगा, थोड़ी ऊपर नीचे जाने की जगह बना दो। तो इसके बाद में अपने को यहाँ पे दो चेस्ट लगानी पड़ेगी। ऐसे चेस्ट कहाँ पे, चेस्ट निकल, नो चेस्ट। तो जैसे कि यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे, यहाँ पे 1 2, अबे क्राउच करके फिर 1 2 ऐसे चेस्ट लगानी है। यहाँ पे भी लगा देता हूँ 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद में हॉपर लेना है भाई, जाने भी नहीं दे रहा। उसके बाद में क्या करना है अपने को, 1 2 1, एक हॉपर काम ही पड़ी है भाई, हद है यार। चलो वो भी फटाफट बना के लाते हैं। ध्यान से देखना गाइस, अगर जरा भी आप अगर गलत करोगे तो ये आइटम शॉर्टर काम नहीं करेगा। मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हॉपर कम पड़ी है मेरा, 5 आयरन चाहिए होंगे भाई, खाली नहीं बनता। 3 4 5, हाँ हो गए हॉपर। चल भाई चल, भाग मिल्खा भाग। तो एक होपर आपको ऐसे, होपर
हॉपर पे हॉपर ऐसे लगा देने का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा और यहाँ से एरिया क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक यहाँ, एक दो यहाँ पे, और उसके बाद में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगाना है। थोड़ा एरिया और क्लियर कर लूँ, अच्छे से बता पाऊँगा मैं आपको। एक नीचे का फ्लोर और निकाल देते हैं। शायद आपको देखने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगा दूँ एक। तो एक ऐसे ऐसे बनाना है, उसके बाद में अपने को थोड़ा ऊपर चढ़ने का है। अब भाई साहब मेरे साथ ही गलत सीन होते हैं हमेशा। यहाँ से चढ़ जाता हूँ ऐसे की तैसे है। अब क्या हुआ भाई? अच्छा देखो ऊपर ही नहीं चढ़ने दे रहे, यहाँ पे जगह तो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दो रेडस्टोन कंपेरेटर लगाने हैं, एक ऐसे करके, ठीक है। आपके बाद उसके बाद आपको ग्लास चाहिए होगा, मैं तोड़ दूँ फिर अच्छे से बताता हूँ। आपको ग्लास लेना है, ग्लास ही यूज़ करना है यहाँ पे, जहाँ पे तीन जगह मैं बताऊँगा वहाँ पे ग्लास ही यूज़ करना है। एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे तीन जगह ग्लास यूज़ करना है आपको, ठीक है गाइस। उसके बाद में यहाँ से एक और एरिया क्लियर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सामान एक तो मैं एरिया सही से बना नहीं पा रहा हूँ, एक तो अंडरग्राउंड है ना, एरिया में बहुत कमी होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया में ऐसे दो पिस्टन लगा देने हैं, एक दो, और इनके आगे एक ऑब्सीडियन लगा देना है। ऑब्सीडियन से क्या होगा कि ये पिस्टन है ना, ऑब्सीडियन को धक्का नहीं दे पाएंगे। ऑब्सीडियन ऐसी चीज़ है जिसको पिस्टन धक्का नहीं दे पाती है, आगे पुश नहीं कर पाती है नॉर्मल पिस्टन। उसके बाद हमें क्या करना है, रेडस्टोन लेना है, एक दो, एक दो, फिर हमें नीचे आके एक दो ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको दो रेडस्टोन टॉर्च बनानी है, शायद में स्टिक होगी, हाँ है, इधर जा, एक दो, दो रेडस्टोन टॉर्च लेनी है, एक यहाँ पे लगा देनी है, एक यहाँ पे लगा देनी है, दोनों पिस्टन के ऊपर। तो हमारा आइटम शॉटर लगभग कंप्लीट हो चुका है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये ज़रा सा भी गलत हुआ तो आइटम शॉटर काम नहीं करेगा। बाकी अपने को एक चीज़ और काम करना है, मेरे पास कुछ है क्या दिखाने के लिए, है तो सही, 32 40 40 भाई साहब। अपने को क्या करना है, एक ऐसा 41 का एक ये बनाना है, और ऐसे तू भाई इधर जाए, ऐसे तीन खाली लेने हैं। तो क्या करना है अपने को, इस वाले चेस्ट में, ये सॉरी इस वाले होपर में, इस वाले में देख रहे हो, ये वाले होपर में, इस वाले में यहाँ पे क्लिक करना है, 41 का एक स्टैक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, खाली बस एक एक। और जो ऐसी चीज़ रखनी है आपको, जो यहाँ पे स्टोरेज करना है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे रख दिया, ये देखना एक एक पे जाके रुक जाएगा। अगर मैं इस चेस्ट में अगर मैं वापस ये डालूँ तो देखना है, नीचे वाले चेस्ट में ना वही मिलेगा अपने को, नीचे चल, ये देखो यहाँ पे आने लग गए सारे के सारे। तो ये हमारा मतलब, मैंने आइटम्स स्टोरेज मतलब आइटम शॉर्टेज स्टोरेज मस्त बनाया है, सही बनाया है, मस्त तो क्या बोलूँ, सही बनाया है। तो उसके बाद हमें ऐसे और सी होंगे, थोड़े डर्ट और ले लेता हूँ मैं, डर्ट से बना दूँगा, इससे भी डर्ट का कोई काम नहीं है अपने पास। अपने को सी है 44, हो जाने सी 44, 39, 40, 41, 42, 43, 44, चलो हो गया। ऐसे इसमें भी करना है, तीन लेना है और ऐसे स्प्रेड कर देना है, एक आ जा ऐसे। और इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले चेस्ट में हमें 41 ऐसे, ये इधर और ये इधर, और गोल्ड नगेट यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे ये तोड़ के मैंने एक चेस्ट इसलिए एक्स्ट्रा बनाई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं एक चेस्ट और बनानी पड़ेगी, मैं फटाफट से वो बनाता हूँ। और एक चीज़, दो चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, दो तीन चीज़ों की, जो कि भाई साहब क्या बड़ी गलती करी मैंने, मुझे एक बार और नेदर में जाना पड़ेगा। पहले मैं बाकी चीज़ें सेटअप कर दूँ। मैं क्या लेने आया था,
हाँ चेस्ट बनानी थी ना मुझे, दो आ जा। तू आ जा, एक चेस्ट आ जा, और एक हमें ड्रॉपर चाहिए था। तो ड्रॉपर शायद कोबल स्टोन और एक रेड स्टोन से बनता है, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ ये रहा ड्रॉपर, 8-7 कोबल स्टोन और एक रेड स्टोन से बनता है ड्रॉपर, इसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें कुछ ऑप्शन वो भी चाहिए होंगे, नेदर क्वार्ट्स। तो चलते हैं हम नेदर में, मैं आपको नेदर में मिलता हूँ डायरेक्ट। ठीक है गाइस, होम स्वीट, ओ भाई होम स्वीट होम नेदर। ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेदर भाई साहब, बिल्कुल। इस साइड जाऊँ या इस साइड जाऊँ, देखता हूँ इस साइड जाके अगर मिल जाए। अरे नेदर क्वार्ट्स चाहिए थोड़े से, दे दो। अरे उधारी पे दे दो चलेगा, ये तो रास्ता ही बंद कर दिया इन्होंने। और नेदर में कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या सामान, मतलब कहाँ से लावा निकल जाए, क्या सामान बोल रहा हूँ। तो चलते हैं, अब एक ही रास्ता बचा ही वाला, इसी से निकलना पड़ेगा। काश नेदर पोर्ट्स मिल जाए मुझे जल्दी से भाई, डराओ मत यार। दिखे 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 भाई, दिखे दिखे, मैं अंडरमैन, तुझे नहीं देख रहा मैं, वे तुझे नहीं देख रहा था मैं भाई। निकल निकल, कहाँ गया भाई वो, भाई कहाँ भाग गया भाई, अंडरमैन से ओ, यही मैं कह रहा हूँ। पीठ पीछे वार करता है कमीना, हेल्थ की ऐसी की तैसी कर डाली है, मुझे तो यही चाहिए था बस भाई। अरे आज से उठा जा, हट। मेरे पास फॉर्च्यून वाली पिकेक्स कहाँ गई है पटीना, तू वापस लग। वापस लग, अबे इससे नहीं फॉर्च्यून वाले का। फॉर्च्यून से क्या होता है कैसे, ये 2 से 3 गुना मिलेगी फिर आपको। और मेरे पास फॉर्च्यून 3, तो सबसे हाई टीयर फॉर्च्यून का 3 होता है। तो मेरे पास अभी देखो 11 हो गई, सिर्फ मैंने 5 तोड़ी हैं। हम जो वहाँ पे और दिख रहे हैं, यहाँ पे और दिख जाए तो और है और है और है, बहुत बड़ी वे नहीं। चलो अपना काम हो जाएगा, कम से कम आधा स्टैक प्लस तो हो जाएगा। ओ भाई नहीं, नहीं, मुझे लग रहा है अभी एक स्टैक करके जाऊँगा मैं यहाँ से। लगभग लगभग पहुँच गए एक स्टैक के करीब, थोड़ा सा और दे दो भाई, ये तो रास्ता ही बंद कर दिया इन्होंने। चलो मुझे उधर सामने दिखा है, मैं वहाँ से ले लेता हूँ फटाफट। जाने दे यार, स्पीड क्यों स्लो कर रखी है। एंडरमैन अब मैं वापस तुझे नहीं देख रहा हूँ, एक ही था, हद ना होती है। वहाँ पे दिख रही, मुझे इतना दूर भेजना भेज रहे हैं यार, हद इंसान है। ये भी बहुत बड़ी बहन है, चलो अपना काम हो जाएगा जिंदगी भर का, जिंदगी भर के लिए क्वार्ट्स मिल जाएगी अपने को। जिंदगी के भर के लिए तो नहीं, फिर भी शायद अभी मुझे बहुत टाइम तक आना ना पड़े। ये देखो ये देखो, ऊपर लावा है, मुझे यहीं कहीं दिखी थी, ऊपर से लावा टपक रही है, पता नहीं कहाँ से मुझे अभी पार्टिकल्स दिखे लावा के, कहाँ से दिखे पता नहीं। वो फॉर्चून वाली पिकेक्स वापस रखो, हमें सिर्फ सिल्टस वाली यूज़ करनी। और हम आए कहाँ से थे भाई, शायद यहीं से आए थे ना, यहीं से आए थे, यहीं से आए थे। नेदर में भटकना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप भटक सकते हो नेदर में। तो हमेशा कोऑर्डिनेट्स याद रखना कि कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। ऊपर जाना है नीचे जाना भाई, मैं तो भूल भी गया। चलो ये तो रास्ते ही बंद है, मतलब ऊपर ही जाना है। यहाँ से था ना ये रास्ता, हाँ यही 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 कोबल स्टोन देख के मुझे याद आया कि कहाँ ये रास्ता है भाई। तो ये नेदर भाई बहुत डरावना लगता है मुझे, अलग ही प्रॉब्लम है। जब भी देखो नाइट हुई पड़ी रहती है, मेरे साथ ही सीन होता है, तुम्हारे साथ भी होता है दोस्तों, कि जब भी खेलो गेम नाइट मैक्सिमम टाइम हो जाएगी, अपन कोई अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और नाइट हो जाती है। फटाफट से घर चल के सोते हैं। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, इससे पंगा लेता हूँ। चलो सिर्फ आर्मर इतना तो अच्छा नहीं है, बट अबे लग जा पड़ गई, एक भी अगर इसका पड़ जाता है ना मुझे फटका,
आधी हेल्थ पे लाके छोड़ता है। इससे पहले कि कुछ और खतरनाक स्पॉन हो, जल्दी से फटाफट घुस जाओ अंदर। सो जाओ, सो जा, सो जा। अरे यार मॉन्स्टर नियर बाय। भाई सोने दोगे तुम लोग? चलो एक और दिन खत्म हुआ माइनक्राफ्ट का सुहाना दिन। ओ भाई नहीं 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 तेरे से पंगे नहीं लेने मुझे, गोल्ड आर्मर वाले बंदे। मैं तो बनाना था कहाँ के ऑब्जर्वर, अगर खुद भूल जाता हूँ क्या क्या चाहिए होता है। कोबल स्टोन भाई, कोबल स्टोन की कमी कहाँ से आ गई? मेरे पास है क्या कोबल स्टोन? सैड लाइफ हीरो, सैड लाइफ। ओ भाई निकल निकल, जरूरत नहीं मुझे यहाँ पे, अब कोबल स्टोन लाना पड़ेगा मुझे। वाह क्या दिन आ गए हैं। कोबल स्टोन कुछ नहीं है, मैं यहीं से इकट्ठे कर लेता हूँ फटाफट। इतने सारे ये हैं, इनसे मिल जाएंगे कोबल स्टोन। मुझे लग रहा है एक बार मुझे है ना माइन पे जाके कोबल स्टोन इकट्ठे करके लाने पड़ेंगे। चलो शायद बहुत होंगे इतने, बट डैमेज पड़ेगा। दो ऑप्शन, अब क्या कमी पड़ गई? रेड स्टोन, कुछ ना कुछ कमी पड़ जाता है हमेशा, बनाता हूँ मैं जब भी। दो ऑब्जर्वर एक ड्रॉपर बन गया, और क्या चाहिए था अपने को? बस यही चाहिए थी और तो कुछ नहीं। चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, बाकी ये जो लावा है इसकी भी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो पहले खाने को तो भूख लगेगी, तुझे तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है इसकी। किड कॉन्टेंट्स नो एक्सप्लिसिट लैंग्वेज। तो हमें क्या करना था? चेस्ट लगानी थी ना सबसे पहले, मैं भूल जाता हूँ सामान क्या क्या करना था। यहाँ पे चेस्ट लगानी है, उसके बाद में नीचे 1 2 3 4, उसके बाद में आपको लेना है ड्रॉपर। ड्रॉपर को आपको नीचे से ऐसे क्राउस करके फिर लगाना है ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ अभी, इधर अभी बंद नहीं कर रहा हूँ क्यों मैं बताऊँगा आपको। पहले नहीं, एक भी अलग, पहले आ जाओ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को इसमें फेस करके लगाना है, और इस साइड वाला इसमें फेस करके लगाना है। ऐसे क्लिक करते रहना चाहिए, कट 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 कट, ठीक है? इससे सामान तो गए ना। ये काम भी नहीं कर रहा है, गलत लगाया था क्या मैंने? क्या गलती हो रही है? अरे हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। गलती नंबर 1, चेस्ट की जगह मैं डायरेक्टली ड्रॉपर ही लगा देता हूँ ना, सबसे आसान तो यही रहेगा। चेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ड्रॉपर लगा दो। ऊपर चढ़ने देगा मुझे इसको, फिर हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। एक ऐसे और एक ऐसे, सही तो लगाए ना? हाँ सही लगाए, अभी पता कर लेते हैं सही लगाए कि नहीं लगाए। तू गए थे? देखो सामान ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब सही लगाए। कितनी बची है इसमें?
का ड्रॉप करते रहेगा ये ऐसा सामान। तो मैं अभी क्या करना है, यहाँ पे एक मैं ये लगा देता हूँ, बाकी ये एरिया ये एरिया ये एरिया क्लियर कर देते हैं फटाफट से। और हाँ, एक चीज़ और करनी थी अपने को, सामान वो लावा लाना था। चेस्ट की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या करना था मुझे, वाटर बकेट। अच्छा, प्रोटेक्शन बकेट जो हमारी सुरक्षा करती है। ये लो लावा यहाँ से। देखो रोटन फ्लैश की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अभी फ़िलहाल, तो मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही, इसलिए मैं उसको जलाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। ओ भाई तुझे नहीं खड़ना गिरना अंदर, यहाँ पे इसको लगा ऐसे और इसको कवर कर देना गाइस ऐसे करके, नहीं तो कहीं पता चला कि आप ही अंदर गिर गए। ऐसे कवर कर देना, तो हमारा आइटम्स यहाँ नहीं लगाना भाई, यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि अप डाउन नीचे करने के लिए, नीचे अप डाउन करने के लिए मैं बनाने वाला हूँ रास्ता वैसे, तो अगले एपिसोड में करते हैं उसको। बाकी तो यहाँ पे देखते हैं ये हो ही गया लगभग, बाकी मैं कंप्लीट करूँगा इसको पूरे अच्छे तरीके से। बाकी देखो अच्छे से काम कर रहा है, मैं भी आपको पहले बता देता हूँ, मशीन ऑन कर, मशीन बोल रहा हूँ मैं, गोल्ड फार्म ऑन करके, ये फ्लिक दबा, ये फ्लिक दबा, गोल्डन है जो कि चीज़ें गोल्ड पकड़ी हाथ में, नीचे गए हम लोग यहाँ पे जाने दीजिए यहाँ पे। अरे भाई आ जा, ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा कंप्लीट हुआ आइटम स्टोरेज, ये था हमारा मकसद आइटम स्टोरेज बनाने का, आइटम शॉर्टेज शॉर्टेज आइटम को मतलब अलग अलग करके रख सकते हैं। तो आप बड़े स्केल पे भी बना सकते हो, छोटे स्केल पे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने तो अभी छोटे स्केल पे बनाया क्योंकि मेरे पास अभी आयरन की बहुत कमी है, मैंने स्केल इसलिए बना दिया कि मुझे बार बार रोटेट प्लेस बार बार निकाल के बाहर ना पड़ेगा, तो बहुत सामान। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में माइनक्राफ्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।